आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा का पूरा फेसबुक अकाउंट डिलीट करवा सकती है, आपका पूरा का पूरा फेसबुक पेज डिलीट करवा सकती है। अगर आप ये गलती करते हो तो आपके अकाउंट पे अकाउंट स्टेटस वार्निंग आएगा। देन अगर उस गलती को आप फिर से करते हो तो आपका फेसबुक प्रोफाइल डिलीट कर दिया जाएगा, आपका पेज भी नहीं रहेगा भैया, क्योंकि जब देसी नहीं रहेगा तो धर्म का क्या करोगे, जब प्रोफाइल ही नहीं रहेगा तो पेज कहां से बचेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमको कौन सी गलती नहीं करनी है अगर आपके अकाउंट पे अकाउंट स्टेटस वार्निंग आ गया है, तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचे वो भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिल्कुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले गलती के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला गलती आप लोग ये करते हो कि अगर आपको कोई कमेंट में कोई उल्टा सीधा बात कर दिया तो आप क्या करते हो कि किसी के कमेंट में जाके किसी को गालियां दे देते हो, या फिर अगर आपको कोई उल्टा सीधा कमेंट कर दिया तो उसके कमेंट को आप बार बार रिप्लाई करने लगते हो और देन गाली गलौज करने लगते हो। अगर आप अपने कमेंट में या किसी के भी कमेंट में जाकर स्पैम फैला रहे हो, हेट फैला रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, तो भैया वो फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, अगर आप ये गलती करते हो तो समझ लो कि आप उसके पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो, देन आपके अकाउंट पे अकाउंट स्टेटस वार्निंग है। दूसरा और सबसे बड़ी गलती आप लोग अभी क्या कर रहे हो कि अभी बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं कि स्टोरी पे व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, सीटीआर बढ़ाने के चक्कर में, स्टोरी वायरल करने के चक्कर में अपने स्टोरी पे डबल मीनिंग फोटो चढ़ा देते हो, या फिर कोई सेक्सुअल कंटेंट लगा देते हो, या फिर कोई ऐसे गंदी सी फोटो लगा देते हो जिससे आपके स्टोरी पे व्यूज तो बढ़ जाते हैं लेकिन ये फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर आप ये करते हो तो समझ लो कि आप फेसबुक के पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो, इसके कारण भी आपको अकाउंट स्टेटस वार्निंग देखने को मिल जाए। तीसरा और सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा रील्स जिसमें कोई भी सेक्सुअल कंटेंट या फिर हॉट कंटेंट या भी किसी भी प्रकार के मर्डर, सुसाइड या कुछ भी दिखाया गया हो, अगर उस प्रकार के रील्स को या फिर वीडियोज को, 18+ कंटेंट को आप अपने प्रोफाइल पे अपलोड करते हो तो संभल जाओ, आपके अकाउंट पे अकाउंट स्टेटस वार्निंग देखने को मिल जाएगा। इवन आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल डिलीट कर दिया जाएगा, आपका पूरा का पूरा पेज बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं चौथा गलती, जो कि लोगों को लगता है कि भैया ये गलती नहीं है लेकिन एक्चुअल में वो भी गलती होता है। ठीक है, अगर आपका के पास एक प्रोफाइल है देन आपने उससे कोई पेज कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, तब अगर आप उससे, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक प्रोफाइल है जिससे मैंने 4-5 पेज कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, तो अगर उस पेज पे आप स्पैम फैलाते हो या फिर जो गलती मैंने अभी बताया उन सारे गलतियों को करते हो, या फिर किसी भी प्रकार के आग से रिलेटेड सेक्सुअल कंटेंट, 18+ कंटेंट, सुसाइडेबल कंटेंट या भी किसी भी प्रकार के स्पैम फैलाते हो और फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ते हो, उसके पॉलिसी को वायलेट करते हो, देन आपका प्रोफाइल डिलीट कर दिया जाएगा। तो आपको ये सब गलती नहीं करना है। अगर आपने ये सब गलती में से कुछ गलती को कर दिया, देखिए कुछ इस प्रकार के आपके अकाउंट पे अकाउंट स्टेटस वार्निंग आ गया है, तो इसको परमानेंट कैसे रिमूव करवाना है, तो यहां से मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद यहां से क्या करना है कि आपको वो वाला अकाउंट को लॉगिन कर लेना है जिस पर आपको अकाउंट स्टेटस वार्निंग देखने को मिल रहा होगा। अकाउंट स्टेटस वार्निंग देखिए कुछ इस प्रकार के आपके अकाउंट पे अकाउंट स्टेटस वार्निंग देखने को मिल रहा होगा, या फिर यहां पे जाने के बाद जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करते हो तो अकाउंट स्टेटस में देखिए आपको वार्निंग देखने को मिल जाएगा। और अगर यहां पे आप क्लिक करते हो सी वाई पे तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि भैया मेरे जो प्रोफाइल है उस पे अकाउंट स्टेटस वार्निंग क्यों देखने को मिला है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर जिस भी कंटेंट में आपको अकाउंट स्टेटस वार्निंग देखने को मिले, जिस भी रील्स में मिले, जिस भी कमेंट में मिले, देन सबसे पहले आपको क्या करना, उस कमेंट को डिलीट कर देना, उस वीडियो को डिलीट कर देना। इसको डिलीट करने के बाद यहां से आपको क्या करना है, 3 लाइंस पे क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद हेल्प एंड सपोर्ट में जाना। हेल्प एंड सपोर्ट में जाने के बाद देखिए यहां से आपके सामने सपोर्ट बॉक्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही सपोर्ट इनबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, आपने जितने भी स्पैम फैलाए हैं टोटल का टोटल रिपोर्ट आपके सामने देखिए यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो योर अलर्ट्स में जाना और जो भी गलती आपने किया है, ठीक है, जो भी जो स्पैम आपने फैलाया, जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्टैंडर्ड को आपने तोड़ा, यहां से योर अलर्ट्स में जाने के बाद सिंपली जो भी रहे उसको सिंपली यहां से आपको क्लिक करके उसको चेक करके सिंपली उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, उसको डिलीट करने के बाद देन बैक जाना है। बैक जाने के बाद देखिए आपके सामने एक रिपोर्ट ए प्रॉब्लम वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहां से आपको कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कीजिएगा तो यहां से आपके सामने एक डोंट इंक्लूड इन रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा, देन आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो सिंपली आपको नीचे जाना है, प्रोफाइल वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहां से इसको कट कर लीजिए। यहां से कट करने के बाद यहां से कह रहा है आपको डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, तो मैं क्या करूंगा कि
जो मैं लिख रहा हूं सेम टू सेम वही वर्ड को आपको लिख लेना है। तो मैंने इसको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके ऑलरेडी लिख के अपने व्हाट्सएप पे सेव कर रखा है। तो चलिए मैं यहां से सिंपली कॉपी कर लेता हूं। डियर फेसबुक टीम, लिखने के बाद जो चीज मैंने यहां से लिखा है, देखिए सिंपली आप इसको जो है वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा इसको लिखने के बाद, ठीक है। लिख रहा हूं सिंपली आपको इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से कोई कॉपी पे लिख लेना है, देन आपको सेम टू सेम इसी चीज को लिख लेना है। इतना काम करने के बाद जो भी आपके अकाउंट पे अकाउंट स्टेटस वार्निंग आया है, देखिए कुछ इस प्रकार का जो भी रहेगा, सिंपली आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको अपने प्रोफाइल के लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहां से क्या करना है कि आपको लिखना है प्रोफाइल लिंक, ठीक है। प्रोफाइल लिंक लिखने के बाद यहां से थ्री डॉट पे जाके सिंपली अपने लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक को कॉपी करने के बाद ऐड इमेज पे जाके उस इमेज को जो आपने स्क्रीनशॉट कर रखा है उस इमेज को ऐड करके यहां से रिपोर्ट ए सेंड वाला बटन पे क्लिक करके आप फेसबुक टीम को रिपोर्ट सेंड कर दीजिएगा। रिपोर्ट सेंड करने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक दो बार लाइव आ जाना है, देन दो चार को ओरिजिनल वीडियो क्रिएट कर देना है, देन आपको जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए अगर फर्स्ट बार आपके अकाउंट पे अकाउंट स्टेटस वार्निंग आता है तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी हाँ, अकाउंट स्टेटस वार्निंग आने से फर्स्ट बार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सेकेंड बार अगर फिर से ये आ जाता है तो आपको क्या करेगा कि आपको 24 घंटा के लिए आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड बार आप ये गलती करते हो तो मे बी हमेशा के लिए आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा। अकाउंट पर एक बार यह स्ट्राइक आ गया तो आपको संभल जाना है, जब तक आपका ये अकाउंट प्रॉब्लम हट नहीं जाता तब तक आपको वैसा रील्स वीडियो वगैरह को अपलोड नहीं करना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।